जिला पुलिस करनाल की ओर से लॉकडाउन के चलते पूरे जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें लॉकडाउन के चलते सड़कों पर अकारण घूमते पाए गए लोगों पर कार्यवाही की गई और उनको गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले जाया गया। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया स्वयं इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला पुलिस करनाल की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एसपी ने बताया कि करनाल में कोरोना वायरस के 4 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें एक ब्रिजपुर का है, जिसके आसपास के गांव पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। एसपी ने कहा कि जिन भी जगहों पर केस मिले हैं वहां की स्क्रीनिंग कराई जा रही है। एसपी ने यह भी कहा कि 20 युवक शहर में अकारण घूम रहे थे, जो ठीक नहीं है, उन पर कार्यवाही अमल में लाई गई है। उन्होंने कहा कि दवाई विक्रेताओं की दुकानों पर भीड़ एकत्रित हो रही है, इसलिए इन दवाई की दुकानों को भी बंद करने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो दवाई की सप्लाई घर पर ही पहुंच जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि डिपो होल्डर्स पर भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है। डिपो राशन को भी डोर टू डोर पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है। एसपी ने कहा कि दवाई की दुकानों में भीड़ का एकत्रित होना भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए कोरोना को हराया जा सकता है। एसपी ने कहा कि गांवों की तर्ज पर भी शहरों में भी ठीकरी पहरे लगाए जाने पर विचार किया जा सकता है। वहीं एसपी ने बताया कि फर्जी पुलिस बनकर गांव में ठीकरी पहरा लगाने वालों पर रोब झाड़ने वाले 4 आरोपियों को काबू कर लिया गया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल जो है 4 पॉजिटिव केस आए हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई घबराने की या पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। 3 तो जो पिछला केस था उससे कनेक्टेड है और जो 4th केस है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, वो दुबई से वापस आया था। और जो प्रोटोकॉल है, जो 2 गांव जिस गांव से संबंध रखते हैं इनमें से 2 व्यक्ति, उस पूरे गांव को सील कर दिया गया है और पूरे गांव की स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो गया है। मेरी आपके माध्यम से यही अपील है कि मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है, इसकी गंभीरता को समझें और बिल्कुल घर पे रहें। जो देखने में आया है, आज जैसे हमने फ्लैग मार्च करी है, करीब 20 लड़के आज डिटेन भी किए हैं जो अननेसेसरी घूम रहे थे। और साथ साथ 2-3 कारणों से जो है भीड़ हो रही है, जो मुख्यतः देखने में आया है, एक तो केमिस्ट शॉप्स पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसका भी आज देखें, शाम तक हम डिसाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि इसे केमिस्ट शॉप्स को भी बंद करवाया जाए और इसकी जो व्हाट्सएप पे ही प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से इसकी भी होम डिलीवरी, मतलब सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी भी होम डिलीवरी कराने पर विचार चल रहा है। दूसरा, जो डिपो होल्डर्स हैं वहाँ जो राशन का वितरण है वहाँ पर भी काफ़ी जो है भीड़ देखने को मिल रही है, उसे भी स्ट्रीमलाइन किया गया है और कोशिश की जा रही है कि वो राशन भी डोर टू डोर जो है स्टेप पे उनको वहीं पे प्रोवाइड किया जाए। तीसरा इशू है जो खाना बांट रहे हैं, खासकर जो कुक्ड फूड दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर भी देखने में आया कि काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन नहीं करते कई बार, और ना ही वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं ना ही ग्लव्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको भी सख्त हिदायत दी गई है। एक तो प्रशासन की परमिशन से एडवांस में इंटीमेशन दें जहाँ पर भी इन्होंने खाना बांटना है, और उनको काफ़ियों को होम गार्ड भी हमने उपलब्ध करवाए हैं ताकि एडवांस में उनको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए। सर, बैंकों में भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, गाँव में अभी हम मुख रहे हैं, काफ़ी भीड़ है, 100 लोग बैंकों में घुसे हुए हैं। देखो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बैंक वालों को भी सख्त हिदायत है, उसके बारे में भी आज एक मीटिंग रखी हुई है, इसका भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन जब तक जनता नहीं समझेगी, अब हर जगह तो नहीं कोई पुलिस वाला खड़ा हो सकता या और कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं खड़ा हो सकता, तो जब तक इसकी गंभीरता को आम जनता नहीं समझेगी तब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। कल बिरजपुर गांव का मामला आया है, तो बिरजपुर गांव को भी सील किया गया है? बिरजपुर गांव को सील किया गया है, 7 के गांव जो 7 गांव लगते हैं उसे बफर जोन डिक्लेयर किया गया है, पूरे गांव की सैनिटाइजेशन और साथ साथ स्क्रीनिंग वो काम चल रहा है, और जो भी उसके परिवार के जो साथ रहते थे उन सबको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। सर, गांव की बात करें, ठीकरी बह रहे हैं तो कहीं ना कहीं शहरों में भी, वार्डों में भी ठीकरी बहने लगाने की जरूरत पड़ती है। देखो, वार्डों में भी हमने कोशिश करी है, एमसीस के थ्रू भी मैसेज कराए हैं, बाकी बहुत अच्छा, ये मेरी अपील है आपके माध्यम से कि वार्ड वाइज अगर लोग अपनी कमेटी बना लें और उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, पूरे सेफ्टी नॉर्म को मेंटेन करते हुए सभी को अपील करें
कि अपने घरों में ही रहें। सर कोरोना को लेके जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने कल भी बताया था, जो भी ऐसी अफवाह फैलाएगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल ही हमने इसमें 2 मुकदमे दर्ज किए हैं और 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया। मार्च पास्ट निकालने का क्या पर्पज था? देखिए इसका पर्पज यही है कि एक तो अवेयरनेस हो लोगों को, दूसरा जो भी अननेसेसरी घूम रहा है अब हमने उनको डिटेन करना स्टार्ट किया है। केवल इम्पाउंड नहीं होगा, हम केस दर्ज करके उनको अरेस्ट भी। सर एक साथ में जिन लोगों को पहले वार्न किया जा रहा था उनके लिए ये चेतावनी है कि अब डिटेन किया जाएगा? बिल्कुल, वार्निंग शुरू से दे रहे हैं और एक छोटी सी गलती उसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है, ये बात समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।